बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल्ला हम हिचकी को रोकने का एक रूहानी अमल लेकर हाजिर हुए हैं। किसी को मुसलसल हिचकियाँ लगती हैं और रुक नहीं पाती हैं। आप हर अमल करके आपने देख लिया, लेकिन आपकी पुरानी से पुरानी अगर हिचकी आती हैं आपको, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल्ला इस अमल के करने की बरकत से आपकी वो हिचकी रुक जाएगी। ठीक है, मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह सब्जल्ला इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो हिचकी को बंद करने, हिचकी को रोकने का एक रूहानी अमल यह है कि आपने सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ने के बाद पानी पर दम करें और उस पानी को पी लीजिए। इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल्ला आपके इस अमल करने की बरकत से आपकी हिचकी रुक जाएगी। हिचकी जो आपकी मुसलसल आ रही है, इंशाल्लाह वो आना बंद हो जाएगी। कि सूरह फातिहा, इसको सूरह शाफिया भी कहा जाता है, ये सूरह शिफा है। यकीन कामिल के साथ इंशाल्लाह इस अमल को करेंगे तो आपको इससे ज़रूर भी ज़रूर फ़ायदा होगा। और कवायद और मखारिज को भी मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि बस लोग दुरुस्त तरीके से सूरह फातिहा को नहीं पढ़ते या कोई वजीफ़ा पढ़ते दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ते, तो उनसे उसको उन लोगों को उससे फ़ायदा नहीं हो पाता। तो दुरुस्त मखारिज के साथ इसको पढ़िएगा, पहले किसी को आप सुना दीजिएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।